नमस्कार। आज हम नारियल के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कटोरी नारियल लिया है, इसको हमने घिस लिया है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, मिक्सी में पीस सकते हैं। और ये थोड़ा सा शुगर लिया है और थोड़ा सा ये हमने घी लिया सेकने के लिए, और 1 गिलास दूध लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं, थोड़ा तेज कर देते हैं ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। मैंने देसी घी लिया है, अगर नहीं डालना चाहे तो मत डालिए घी, कोई जरूरी नहीं है। वो तो हम ऐसे ही डाल रहे हैं थोड़ा सा सेकने के लिए नारियल को। अब हम नारियल डाल देते हैं इसमें, इसको धीमी आंच और इसको चलाते रहेंगे और आंच को धीमी कर देंगे। गैस को हम धीमी कर देंगे। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। हम शक्कर कम डालेंगे, इतने डालेंगे फिर ज्यादा मीठा हो जाएगा। अब आंच को धीमी रखेंगे और हमने दूध को गर्म कर लिया है, क्योंकि ये गर्म है तो इसलिए हमने दूध थोड़ा सा कुनकुना रखा है, ठंडा नहीं रखा है, थोड़ा सा कुनकुना किया है, ज्यादा नहीं। ये हम डालेंगे दूध, दूध डाल लिया और इसको बराबर से मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। हमारा गाढ़ा हो रहा है, गैस को धीमा ही करें, थोड़ा सा तेज कर देते हैं गैस ताकि जल्दी से हो जाए। ये थोड़ा तेज कर दी, ये हमारा हो गया है, ये तैयार हो गया है हमारा मिक्सर। हाँ तैयार हो गया, पूरा अच्छे से हो गया। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। हमारा ये मिक्सचर, अब ये हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको इसके लड्डू बनाएंगे। ये हम प्लेट में निकाल करके रख लिए, इसको अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं 2-4 मिनट के लिए। हमारा ये ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा सा पानी लगा करके इसको देखते हैं बन रहा है कि नहीं। बन रहा है लड्डू, और हम इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। ये हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं।